जय श्री राधे। रचनाट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक बनाने जा रहे हैं और पोशाक बनाने के लिए मैंने दो कलर की ऊन ली है। सबसे पहले हमें एक नॉट लगा के एक चैन बनानी है और इस चैन में से हमें 15 चैन बनानी है। ये जो पोशाक मैं बनाने जा रही हूँ ये 0 से लेकर 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है। यदि आप इसे बड़ी पोशाक बनाएं तो आप जैसे कि 3 से 4-5 जी के लड्डू गोपाल के लिए बनाएं तो आप इसमें 17 चैन लें। मैं इसमें 15 चैन ले रही हूँ 0 से लेकर 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। इसके बाद 15 चैन लेने के बाद हमें 2 चैनों को छोड़ना है और तीसरी चैन में से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट चैन में से भी हमें डबल क्रोशिया ही लेनी है और जो हम ये लाइन बना रहे हैं इस लाइन में हमें हर एक चैन में से एक ही डबल क्रोशिया लेनी है और इसी तरीके से हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 चैन बनानी है। 3 चैन बना के पहली चैन में से हमें 2 डबल क्रोशिया लेनी है। जो हम ये लाइन बना रहे हैं इस लाइन में हमें हर एक चैन में से 2 डबल क्रोशिया लेनी है और इस लाइन को भी हमें कंप्लीट करना है। ध्यान रखें हर एक चैन में से 2 डबल क्रोशिया लेकर इस लाइन को भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से मैंने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया हर एक चैन में से 2 डबल क्रोशिया लेकर। इसके बाद यहाँ पे हमें फिर से 3 चैन बनानी है और 3 चैन बनाने के बाद पहली चैन में से हमें 1 डबल क्रोशिया लेनी है। इसके बाद दूसरी चैन में से भी हमें 1 ही डबल क्रोशिया लेनी है। इसके बाद तीसरी चैन में से भी हमें 1 ही डबल क्रोशिया लेनी है और यहाँ पे हमें चौथी चैन में से भी डबल क्रोशिया ही लेनी है। हमने 4 चैनों में से डबल क्रोशिया ली है। इसके बाद हमें 5 चैनों को छोड़ना है और छठी चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड में हमें 9 चैन छोड़नी है और यहाँ पे जो हमने ये बनाई है ये 9 चैन ही बनाई है। 4 चैनों को हमने पहले बनाया था फिर इसके बाद 5 चैनों को हमें छोड़ा था तो ये टोटल हुई 9 चैन। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमें 9 ही चैन छोड़नी है और वहाँ तक हमें हर एक चैन में से एक ही डबल क्रोशिया लेनी है। देखिए यहाँ पे हमारी 9 चैन है ये। इसके बाद हमें 5 चैनों को छोड़ना है और छठी चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेनी है। इसके बाद 7वीं चैन में से भी डबल क्रोशिया लेनी है और यहाँ पे 8वीं चैन में से भी और यहाँ पे 9वीं चैन में से भी। देखिए मैंने ये लाइन भी इस तरीके से कंप्लीट कर ली है और इसके बाद फिर से हमें 3 चैन बनानी है और पहली चैन में से हमें 1 डबल क्रोशिया लेनी है और दूसरी चैन में से भी हमें 1 ही डबल क्रोशिया लेनी है और इस लाइन को भी हमें कंप्लीट करना है हर एक चैन में से 1 डबल क्रोशिया लेकर। देखिए ये लाइन भी मैंने कंप्लीट की है हर एक चैन में से 1 डबल क्रोशिया लेकर। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे स्लिप चैन के साथ जोड़ रही हूँ और जो हमारी ये पोशाक है इसकी जो ऊपर की चोली है इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने 3 चैन बनाई है और पहली चैन में से हमें 2 डबल क्रोशिया लेनी है। जो हम ये लाइन बना रहे हैं अब की बार हमें हर एक चैन में से 2 डबल क्रोशिया लेनी है और जो हमारा ये राउंड है इसे हमें कंप्लीट करना है हर एक चैन में से 2 डबल क्रोशिया लेकर। देखिए इस तरीके से मैंने हर एक चैन में से 2 डबल क्रोशिया ली हैं और इस राउंड को भी मैंने कंप्लीट किया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसे स्लिप चैन के साथ जोड़ रही हूँ। इसके बाद हमने दूसरे कलर का धागा इसमें जोड़ा है और यहाँ पे हमें 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद पहली चैन में से हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है ये इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें यहाँ पे 4 चैनों को गिनना है और 5वीं चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेनी है
परंतु धागे को हमें उतना ही खींचना है जहाँ पे हमने सिंगल डबल क्रोशिया ली थी, यहाँ तक हमें धागे को ऐसे खींचकर इतना बड़ा ही रखना है, करीबन 1.5 इंच के करीब। इसके बाद दूसरी डबल क्रोशिया लेनी है, उसकी लेंथ भी हमें इतनी ही रखनी है। और जो हमारी ये चैन है, यहाँ से हमने जो 4 चैन छोड़कर 5वीं चैन में से जो हम ये डबल क्रोशिया ले रहे हैं, ये हम एक ही चैन में से 14 डबल क्रोशिया ले रहे हैं, बट धागे को हमें 1.5 इंच के करीब ही लेंथ में रखना है। जितनी भी क्रोशिया इसमें से हमें लेनी है, धागे की लेंथ हमें 1.5 इंच के करीब ही रखनी है और इसमें से हमें 14 डबल क्रोशिया लेनी है। तो यहाँ पे जो ये डिज़ाइन है ये हमारा बन के आएगा। टोटल हम 9 चैनों का एक डिज़ाइन बनाएंगे। शुरुआत में हमने जहाँ से हम शुरुआत की थी वहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया ली थी, इसके बाद 4 चैनों को हमने छोड़ा था, 5वीं चैन में से हम ऐसे 14 डबल क्रोशिया ले रहे हैं। 14 डबल क्रोशिया लेने के बाद इस एक ही चैन में से मैंने 14 डबल क्रोशिया ली हैं। इसके बाद 4 चैनों को हमें फिर से छोड़ना है और 5वीं चैन में यहाँ पे हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया के साथ इसे ऐसे जोड़ना है। तो टोटल जो हमारा ये डिज़ाइन है 9 चैनों का है। आप इसे 7 चैनों का और 5 चैनों का भी बना सकती हैं। इसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया ली है, फिर से हमें 4 चैनों को छोड़ना है और 5वीं चैन में से हमें फिर से 14 डबल क्रोशिया लेनी है और धागे को हमें वहीं तक खींचना है जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया ली थी। यहाँ पे मैंने 14 डबल क्रोशिया ली हैं और धागे को मैं 1.5 इंच के करीब ही खींच के रखा है। इसके बाद मैंने 4 चैनों को छोड़कर 5वीं चैन में से सिंगल क्रोशिया ली है और इसके बाद फिर से हमें 4 चैनों को छोड़ना है और 5वीं चैन में से हमें फिर से 14 ही डबल क्रोशिया लेनी है। और इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने इस राउंड को कंप्लीट किया है, यहाँ पे मैं इसे स्लिप चैन के साथ जोड़ रही हूँ और ये मेरे 4 फ्लावर बन के आए हैं। इसके बाद दूसरी कलर का धागा लगाना है और पहले हमें यहाँ पे 2 चैन बनानी है। दो चैन बनाने के बाद पहली चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेनी है, इसके बाद इसी चैन में से फिर से हमें डबल क्रोशिया लेनी है। अब की बार हमें हर एक चैन में से 2 डबल क्रोशिया लेनी है और पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने हर एक चैन में से 2 डबल क्रोशिया ली हैं, लाइन को कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैं इसे स्लिप चैन के साथ जोड़ रही हूँ और इसके बाद अब हमें दूसरे कलर का धागा लगाना है यहाँ पे। और जो हमारे ये दोनों जो ये फ्लावर हैं इनका सेंटर है, यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, पहले हमें यहाँ पे 6 चैन बनानी है। 6 चैन बनाने के बाद पहली चैन में से हमें 14 डबल क्रोशिया लेनी है। यदि हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेते और फिर 4 चैनों को छोड़कर तब डिज़ाइन बनाते तो हमारा साइड में जाता। अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट 6 चैन बना दी हैं और यहाँ पे हम 14 डबल क्रोशिया ले रहे हैं और एक जो हम लेंथ ले रहे हैं धागे की वो हम 1.5 इंच के करीब ही ले रहे हैं। तो हमें एक ही चैन में से 14 डबल क्रोशिया लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया ली हैं और यहाँ पे फिर से हमें 4 चैनों को छोड़ना है और 5वीं चैन में से एक सिंगल क्रोशिया लेनी है ऐसे। और जो हमारी साइड का है इसे हम यहाँ पे जब लास्ट में हम इसे बंद करेंगे वहाँ पे जोड़ देंगे। और इसके बाद अब हमें हर एक चैन में से एक एक सिंगल क्रोशिया लेनी है सेंटर तक। जो हमारी ये फ्लावर है इनका सेंटर आएगा वहाँ तक हमें हर चैन में से एक ही सिंगल क्रोशिया लेनी है। हर एक चैन में से एक एक सिंगल क्रोशिया लेनी है हमें सेंटर तक।
और आप इसे जितने भी बड़े कान्हा जी के लिए बनाना चाहती हैं बना सकती हैं। इसी तरीके से आप लाइन बढ़ाते हुए चलना। देखिए जो हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, तो उससे पहले ही हमने चार चैन नहीं बुनी है, और यहाँ पे हम सेंटर से पहले ही हमने चार चैनों को छोड़ा है, और सेंटर पे हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया ले रहे हैं, और धागे को हमें वहीं तक खींचना है जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया ली थी और फिर चार चैनों को छोड़ा था। यहाँ पे हमें 14 डबल क्रोशिया लेनी है, फिर चार चैनों को छोड़ना, पांचवीं में से जोड़ना है, और फिर से हर एक चैन में से यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है। इसी तरीके से हमने इस पूरे राउंड में ये डिज़ाइन बना लिया है। और ये हमारा जो डिज़ाइन है, ये फ्लावर हैं, पहले फ्लावर के सेंटर में आए हैं ये, और फिर से हमने सिंगल क्रोशिया ली थी, फिर चार चैनों को छोड़ा था हमने यहाँ पे, फिर पांचवी चैन में से हमने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया ली थी, फिर हमने चार चैनों को छोड़ा था, फिर हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया ली थी, फिर चार चैनों को छोड़कर फिर 14 क्रोशिया ली थी। इस तरीके से हमने राउंड को कंप्लीट किया है। और जो हमारे यहाँ पे हमने चार चैनें नहीं बनाई हैं, और यहाँ पे हम इसे ऐसे जो छह चैन बनाई थी ऐसे इसे जोड़ा है। इसके बाद यहाँ पे हमने दूसरे कलर का धागा लिया है, और पहले हमें यहाँ पे दो चैन बनानी है। दो चैन बना के पहली चैन में से हमें एक डबल क्रोशिया लेनी है, इसके बाद दूसरी चैन में से भी हमें एक ही डबल क्रोशिया लेनी है, और इसी तरीके से हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया लेकर राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए मैंने हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया लेकर राउंड को कंप्लीट किया है, और जो हमारी ये पोशाक है ये बन के कम्प्लीट है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।